होगी जग्गू जी? बॉर्डर फिल्म देखी? हाय हाय, मैं तो पागल ही होगी जब आप कहते ना ऐसे, सुबह कब होगी, सुबह कब होगी। इस चक्कर में इसमें सारा रात नहीं सोई पता। वो एयरफोर्स की वर्दी में क्या लग रहे थे आप सच्ची मतलब मैं तो इतनी दीवानी होगी कि मैंने ना सुबह सुबह दो माले की बिल्डिंग से पैराशूट से छलांग मार दी, लेकिन आप मुझे आए नहीं बचाने, इनका फुफड़ बचाने आ गया। फिर दादा ये सबको तंग करती है, सॉरी इसके लिए। अभी क्या सॉरी? ओ हाय, ऐसे कैसे सॉरी? वैसे जग्गू जी ने मुझे इतना बॉम्बे में तंग नहीं किया जितना इन्होंने मुझे दिल्ली में तंग किया था। ओहो। हाँ, मेरे घर के नीचे स्कूटर लेके आ जाते थे बहन जी, कहते कमो कमो। फिर इनकी जीत होती थी कि ठंड बड़ी है, स्कूटर मैं नहीं चलाऊंगा, स्कूटर कमो तू चला। मेरे पीछे बैठते थे और मुझे मूंगफलियां छील छील के ऐसे करके ना आगे से ऐसे खिलाते थे। क्या बात। बुआ दादा ने बीड़ू बुला के ना तेरी बीड़ी तोड़वा देनी आज, तू बड़ा बोल रही है तू। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो थोड़ा हंसी मजाक कर लेती हूँ, बंदे का घर चल जाता है, मुझे क्या। दादा ये हमेशा ऐसी बातें करती है, आज तो आप आए हो ना, आपकी पीठ पीछे बड़ी बातें करती है। अच्छा, पर सुना है कि इनके पास कोई आपका वीडियो भी है जहाँ पर आप कहीं कुछ प्यार का इजहार करें। जग्गू जी, मैं कभी वीडियो में पूरी आई नहीं, कैसे होगा इनके पास? ऐसे कहता नहीं होगा इनके पास, दिखाओ कहाँ वीडियो। दिखाओ जरा। जग्गू जी की याद आ गई मेरे को, मेरे फ्रेंड थे, बताया नहीं पापा ने? नहीं तो वो कैसे बताते, गलतियां थोड़ी कोई बताता। यार वो क्या दिन थे, वो सबको कहते थे बिड़ू बिड़ू बिड़ू, मेरे को कहते थे बिड़ी। जानती भी है जैकी दादा को ऐसे? मैं जानती, मैंने कितनी गेमें खेली, अरे लुक्का छुपी इतने लोग खेलते थे, लेकिन सबसे पहले पीछे जाकर धप्पा मुझे ही करते थे, कहते धप्पा, मैं फिर अगे से झप्पा। झूठ बोल रही है, कोई नहीं जानती जग्गू दादा को। अच्छा, किसने कहा? मैं कह रहा हूँ गप्पे मार रही हूँ तुम। एक मिनट, पुआ झूठ बोलती है, पुआ अभी तुमको सच दिखाती है। ये क्या है? फ्लैशबैक। फ्लैशबैक अभी दिखाती हूँ, फ्लैशबैक। दादा ये देखा आपने, ये बोलती मैंने बड़ा रोमांस किया है। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो प्यार का इजहार एक पोस्टर के साथ कर रही है, मैं खड़ा हूँ आपके सामने। बताओ बुआ। वो जग्गू जी पता क्या, जब ऐसे प्यार का इजहार या गाना वाना होता है ना, तो हाँ। पेड़ पौधे होते हैं जिसमें ऐसे लटक लटक के करते हैं। हाँ। इधर कुछ है ही नहीं तो फिर निकलेगा नहीं मेरा अंदर से। अच्छा। अरे वो कृष्णा जो है सुना, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छा करता, बड़ी 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 करता दादा। हाँ, और मेरी एक्टिंग जो कर रहा है मेरे से भारी करता, मेरे को मालूम था कि ऐसा है। मैं तो मैं कृष्णा को जरा बुलाना चाहता हूँ। कृष्णा बाबा मेरा बच्चा, और सबको बच्चा बनाएगा तो एक दिन जूते खाएगा भाई। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, आ जा मेरा बच्चा। कृष्णा बराबर आया 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 आया। वाह वाह वाह, क्या शराफत अली दिख रहे हैं आप, क्या बात। इतना शरीफा, इतना ऐसे प्यार से चल गया, इतना मासूम चल गया, तो मेरे से मेरी तरह चल के तो आता जरा जग्गू को बना तो सही। नहीं दादा, सब इसकी वजह से मेरी जान, दादा ये करवाता है सब, मैं बता रहा हूँ। अरे हाँ, मेरे को बैठ के देखने का प्लीज कर, मेरे को नजदीक से देखने का बहुत अच्छा लगता है दादा, सीरियसली अच्छा लगता है। बड़ो लोग बच्चा है, बड़ो लोग पेड़ लगाने का, बड़े लोग आप लोग, लव यू अर्चो, लव यू लव यू, पांच रुपए का 500 रुपया दिया अर्चो, लव यू गाइस, मजा आ गया बड़ो। इसका बच्चा होगा, मेरा नहीं भाई, इतना सारा बच्चा। लव यू लव यू दादा, लव यू दादा। बहुत कुछ बनता है कृष्णा, पेड़ भी बनता है ये भाई, ये एक मसला सॉल्व कर दे भाई, पेड़ भी बन जा तू सबकी, एक मेरा एक मेरे से बारी करता झाड़ तो बन जा। आपके लिए दादा मैं तेरी मेहरबानी का डॉगी बनने को तैयार हूँ, झाड़ बन जा, झाड़ बन जा मेरी, मैं बन जाऊंगा दादा आपके लिए। अरे बनना बनना बनना, झाड़ बन, जाना भी पड़ेगा कोई अच्छा। अरे हक, अरे सही है, सही है, सही है, बिना ये भी पकड़ ले एडम और ईव, एक इसको हाथ में रख, कहाँ से पकड़ू, अल्लाह रे मां के यार।
दादा इसमें मैं झाड़ का मोर ज्यादा लग रहा हूँ. दादा हाँ बोलो. ये पेड़ तो ठीक है लेकिन ये भेड़ के साथ कैसे रोमांस करे. भाई जग्गू जी देखो क्या कह रहे हैं. भाई नहीं नहीं बोला. अब मैं पेड़ को क्या बोलूं. थैंक यू जग्गू जी. वो हार्ड बनाए. ये बड़ा वाला मेरा भाई छोटा वाला. भाई झाड़ कोई नहीं लगे तो मैं ले जाऊंगा. एक किस्सा याद आ गया दादा. आपने कहीं सुनाया था कि जब आपकी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी कोई, तो आपने जब उनको अपने घर इनवाइट किया तो आपने मम्मी को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ. वो क्या किस्सा था दादा, कुछ सुनाना. बड़े स्कूल में था, छोटा था. अच्छा. और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स में कोई बड़े घर की लड़की थी जो मुझे चाहती थी, मैं चाहता था. अच्छा. तो मैंने ये कभी कहा नहीं था. मैंने कहा था कि मैं तीन बत्ती पे रहता हूँ, वालकेश्वर पे रहता हूँ. तो उनको लगा होगा मैं बड़ेगा. तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि मैं घर आना चाहती हूँ मम्मी. अच्छा. से मिलने. तो मैं डर गया तो मैंने माँ को जल्दी जाके बोला, माँ ऐसा ऐसा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं पेइंग गेस्ट में रहता हूँ, अकेला, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहता हूँ. अच्छा. तो तू चले जा नीचे बैठ अपने दोस्त के साथ. मम्मी बोला हाँ मगर मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, नीचे नहीं बैठने वाली. मैं ठीक है माँ. तो आया वो थोड़ा लेट हो गया. तो मैं आने के टाइम पे पूरा उसको सेटिंग बैटिंग घर का कर दिया, ऐसा लगा कि कोई बैचलर का घर है. और बोला ये मेरा घर है और मैं यहाँ रहता हूँ, मम्मी डैडी के साथ नहीं रहता. मम्मी आधा घंटा हो गया तो आ गया, जग्गू. बोला मम्मी का आवाज भागा जल्दी जल्दी. मम्मी बोला मम्मी मैं अभी भेजता हूँ, मम्मी भेजता. करते करते उसको कर दिया. मगर फिर मैंने रियलाइज किया कुछ दिन के बाद में, घर का साइज थोड़ी होता है लव के लिए. तो मैंने बोला जाने दे घर का साइज नहीं. जग्गू दादा आपको भी पता ही होगा, जब जग्गू दादा फिल्मों में आए तो आपकी वजह से पता है मूछों वाले जो लड़के हैं उनकी बड़ी इज्जत बढ़ गई. सीरियसली जब रिश्ते आते थे लड़कियों को तो लड़का मूछ वाला होता था ना, तो लड़की के मां बाप बोलते थे बेटे लड़का जो है पूरा जैकी श्रॉफ दिखता है. इनफैक्ट जब अर्चना जी को रिश्ता आया ना परमीत जी का, तब भी उन्होंने बोला कहला कि लड़की जैकी श्रॉफ दिखती है. सॉरी लड़का. मतलब ये तो बहुत ही नया था. अच्छा अभी जग्गू दादा ने जो कहा कि मैंने फर्स्ट टाइम बचपन में अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला था कि मैं इंडिपेंडेंटली रहता हूँ. अगर आपने किसी अपने चाहने वाले को या किसी को भी इंप्रेस करने के लिए झूठ बोला हो, हाथ खड़ा करें. कौन कौन अपने किस्से शेयर करना चाहता है, पता चले हिंदुस्तान में कितने परसेंट लोग झूठे हैं. जी नमस्कार मैम. एक ही है. नमस्ते सर. प्रणाम. कहाँ से आई मैम आप? सर मैं हरदा से हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ. कोरियोग्राफर हैं आप? जी जी, जी फरमाइए जी. तो क्या किस्सा है आपका? सर मैंने एक बार अपने हस्बैंड से झूठ बोला था. एक्चुअली मैं हमेशा मैक्सी में ही रहती हूँ और कभी रेडी नहीं होती हूँ. तो उनकी कंप्लेंट रहती है मुझसे हमेशा कि मैं कभी भी घर आता हूँ तो तू रेडी नहीं मिलती है. तो मैंने उनको झूठ बोल के कॉल किया कि मैं रेडी हूँ, बच्चे भी सो गए हैं, अब जल्दी घर आ जाइए. मैंने एक्सपेक्ट किया था वो एक घंटे बाद आएंगे पर वो जल्दी आ गए. अच्छा. और मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी और बच्चे भी नहीं सोए थे. हाउ स्वीट. पर ये तो बड़ा क्यूट सा झूठ है, छोटा सा पर मजेदार है. तो ये कोई पति को आपने पहली बार ऐसे थोड़ी ना झूठ बोला होगा, नॉर्मल लाइफ में कितना बोलते थे. पर सर वो एक बार का झूठ बहुत भारी पड़ा, वो सुनते ही नहीं. अब आपकी मानते नहीं वो? उनको लगता मैं झूठ बोल रही हूँ. हस्बैंड भी आए आपके साथ? यस सर. कहाँ है? नमस्कार सर. क्या प्यार है, एक ही कलर के. नमस्ते कपिल जी. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते जी की दादा. उस दिन जब उन्होंने मुझे झूठ बोला, सब काम छोड़ छाड़ के एकदम तुरंत मैं घर गया और देखा तो बच्चे आराम से बैठी हुई है. आप क्या करते हैं सर? फ्रूट्स का होलसेल बिजनेस. मैंगो मिलते हैं, आम मिलते हैं अपने? जी जी सर. अभी भी? अभी भी मिलते हैं. क्या करता है तुम लोग, कच्चा रख देते क्या ठंडा करने? नहीं नहीं वही है ना कि सिस्टम क्या, अभी अगर अभी मिलता है. हाँ? तो अगर हम लोग आम खाने गए, हम लोग सब पूरी गैंग बैठे ली जी, तो क्या होता है उसको, आप लोग फ्रीज फ्रीजर में उसको डीप? नहीं सर अभी भी आ रहे हैं, ताजे जाम आ रहे हैं. कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं यार? कहाँ से आ रहे हैं? सर बेंगलोर से. बादाम आम आ रहा है बेंगलोर से. ये यार ये वो झाड़ का वो एक बीज मेरे को भी ले आना, मैं भी लगाता हूँ ना. मेरे को भी बिल्कुल. हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. धन्यवाद.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.